हेलो एवरीवन, दिस इज सुधीर एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। टुडे वी डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक एंड इंटरेस्टेड टॉपिक, बुद्धिस्ट एंड जैन। आज हम जो बुद्धिस्ट और जो जैन रिलीजन्स है उनके बारे में डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। और पिछली वीडियो के अंदर हमने क्रिश्चियन और सिख धर्म के बारे में डिस्कस किया था, और इसमें एक छोटा सा जो धर्म है फारसी पर्शियन जो है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। तो हमारे यहाँ पे जो रिलीजियंस हैं वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने आपको जो नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड करा दिए हैं, आप यहाँ से लिख सकते हैं। एनसीईआरटी प्लस डीआर खुल्लर के जो नोट्स हैं वो दोनों मिला के मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, ताकि आपको एक्स्ट्रा बुक है वो परचेज करने की कोई आवश्यकता है वो न पड़े बेटा। और आप बोर्ड के अंदर जो भी एमसीक्यू के रूप में आपसे जो भी क्वेश्चन जो पूछा जाएगा यहाँ पे मैं डिस्कस भी करूँगा कि वो किस तरह से आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, और पहले बात करते हैं बुद्धिस्ट की, बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म की जो पॉपुलेशन है 2001 की जनगणना के अनुसार वो कितनी है हमारी, 7.95 मिलियन। टोटल इंडिया की जो पॉपुलेशन थी 2001 की जनगणना के अनुसार वो कितनी थी, 102 करोड़ थी। कितनी थी बेटा, 102 करोड़ थी। और उसमें से 7.95 मिलियन पॉपुलेशन लार्जली फाउंड इन, ये मेनली जो हमें जो देखने को मिलती है महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश एंड लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K। देखिए आज जो लद्दाख है वो एक अलग से स्टेट है, वो बन गया है, पर 2001 में ये किसका पार्ट था, जम्मू एंड कश्मीर का ही पार्ट था बेटा। फाउंड ये मिलते हैं पर कम मिलते हैं, लेसर, मिजोरम, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश, इनके अंदर ये हमें काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा हमें जो देखने को मिलते हैं पहले नंबर पे है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर 67% ऑफ द टोटल बुद्धिस्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की हमें टोटल जो पॉपुलेशन है बुद्धिस्ट उसका 67% हमें केवल महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलता है, और महाराष्ट्र की ये 6.9% है। महाराष्ट्र की ये 6.9% है, जबकि महाराष्ट्र जो बुद्धिस्ट जो है वो 67% है ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। सिक्किम के अंदर इसकी जो संख्या है वो 1.5 लाख है, और लगभग 28% ये हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ से आपको दो क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो आप बता सकते हैं, और महाराष्ट्र की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कितने बुद्धिस्ट हैं ये भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट आते हैं जैन धर्म पे। 2001 की जनगणना के अनुसार ये हमारे 4.2 मिलियन है, 4.2 मिलियन पॉपुलेशन है वो हमें देखने को मिलती है। मोस्टली फाउंड इन वेस्टर्न पार्ट, जो वेस्टर्न पार्ट है हमारा उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया वहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा देखने को ये मिलते हैं। फिर आगे बात करते हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर 1.5 मिलियन है, जबकि गुजरात के अंदर 5.2 लाख और राजस्थान के अंदर 6.5 लाख जो जैन है, जैन पीपल है वो हमें देखने को मिलते हैं बेटा। मोस्टली जो जैन है वो अर्बन एरिया के अंदर रहना पसंद करते हैं, ठीक है ना, ये ज़्यादातर जो है लगभग 80 से लेकर 85% तक जो जैन धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो शहरों के अंदर अपना जो जीवन है वो यापन करते हैं या व्यतीत करते हैं। अगला आता है फारसी या पर्शियन जो रिलीजन्स है उसकी बात करूँ मैं, तो ये हमारे 2001 की जनगणना के अनुसार केवल 1 मिलियन पॉपुलेशन हमें हमारे देश के अंदर है वो रह रही है। लगभग 90% जो पॉपुलेशन है पर्शियन की ये हमें फाउंड इन मुंबई सिटी, साउथर्न कोस्टल गुजरात, कोस्टल जो रीजन है गुजरात उसके अंदर देखने को मिलती है, अराउंड द सूरत और सूरत के आसपास का जो क्षेत्र है उसके अंदर हमें जो फारसी है वे देखने को मिलते हैं, फारसी धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ बेटा ये टॉपिक रिलीजियंस का, जो पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। इससे बाहर आपको कोई भी जो चीज़ है वो देखने को नहीं मिलेगी इस टॉपिक से रिलीजियंस को लेकर। चलिए आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप ये जो नोट्स हैं उनको प्रिपेयर करें और पढ़ने की कोशिश करें। थैंक यू एंड
थैंक यू वेरी मच बेटा।